नमस्कार। अभी हम आए हुए हैं वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला में, और हमारे बगल में बैठे हुए हैं यहाँ के इंचार्ज श्री महादेव सर। इनसे हम जानेंगे कि इस नक्षत्रशाला के बारे में और यहाँ पे क्या क्या वर्क हो रहा है, इनसे हम पूरी की पूरी डिटेल जानेंगे। सबसे पहले हम इनका स्वागत करते हैं सर। नमस्कार धन्यवाद। सर, अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को, ताकि जाने क्या चीज़ सर, क्या क्या होता है यहाँ पे सर। मैं वैज्ञानिक अधिकारी महादेव पांडे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के क्षेत्रीय कार्यालय व वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला का प्रभारी भी हूँ। यहाँ गोरखपुर मंडल के चार डिस्ट्रिक्ट जनपद जो हमारे कार्य क्षेत्र में आते हैं, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, इन क्षेत्रों में हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की गतिविधियों को संचालित करते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ की गतिविधियों में एक गतिविधि जुड़ी हुई है खगोल विज्ञान की। खगोल विज्ञान के तहत गोरखपुर, लखनऊ व रामपुर में तीन नक्षत्रशालाएँ भी स्थापित की गई हैं, जिनके माध्यम से बच्चों को खगोल विज्ञान के विषय में हम जानकारी देते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद कि अनेक गतिविधियों में से एक गतिविधि है रिसर्च डेवलपमेंट के लिए, जिसमें बच्चे शोध करते हैं और उनके शोध के प्रोत्साहन के लिए हमारे यहाँ से उनको धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। यूनिवर्सिटी में, डिग्री कॉलेजों में, अब तो बाल वैज्ञानिकों को भी प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से फंड दिया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का एक गतिविधि जिसमें नवाचार से संबंधित बच्चों को अच्छे मॉडलों के द्वारा उनको स्टार्टअप से जोड़ने के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनकी मानसिक सोच विकसित करने के लिए हमारे यहाँ प्रदर्शनियाँ, सेमिनार, सिंपोजियम यूनिवर्सिटियों में, हमारे नक्षत्रशाला में व इंजीनियरिंग कॉलेजों में चलाई जाती है। लोगों को जानकारी ना होने की वजह से अच्छे मॉडल, न्यू इनोवेटिव मॉडल बनाए जाते हैं, लेकिन उनका पेटेंट ना हो पाने की वजह से और कंपनियां उसे पेटेंट करवा करके नई तकनीक में परिवर्तित कर रही हैं, जो हम लोग चाहते हैं कि ग्रास रूट लेवल के इनोवेटर्स भी उसकी जानकारी करें कि कैसे पेटेंट होता है। बच्चों में, विश्वविद्यालय के छात्रों में पेटेंट की जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है कि पेटेंट कैसे करवाया जाए अपनी तकनीक को और आगे कैसे बढ़ा जाए। इसी के तहत ग्रामीण बस्तियों में जो तमाम कुरीतियाँ, कुपोषण के माध्यम से अंधविश्वास जो फैलते हैं और फैल रहे हैं, कुछ लोग तो यूं मान लीजिए कि अंधविश्वास में जकड़ करके अपनी जान भी दे दे रहे हैं, उनमें जागरूकता भी फैलाने का काम हमारे विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा लोगों को टेक्निकली प्रशिक्षण दे करके उनको उद्योग भी स्थापित करने का काम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद करती है। इस तरह से विज्ञान के छात्रों से संबंधित, तकनीकी विद्यार्थियों से संबंधित और ग्रास रूट लेवल के जो छोटे बच्चे हैं उनके स्तर पर भी हम लोग छोटे छोटे कार्यक्रम स्कूलों में जा जा करके करते हैं,
और उन्हें विज्ञान के प्रति मानसिक सोच को विकसित करने, वैज्ञानिक वातावरण बनाने के लिए क्लब के माध्यम से, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र के माध्यम से उन्हें जागरूक करते हैं और वैज्ञानिक व्याख्यान प्रस्तुत करके उनके वैज्ञानिक वातावरण में सहयोग करते हैं। यहाँ गोरखपुर जनपद में तो खगोल विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बच्चे जागरूक हुए हैं और रोज़ हमारे यहाँ तारामंडल स्थापित है, उस तारामंडल में प्रतिदिन लगभग 800-700 बच्चे आते हैं और जनसामान्य भी आकर के खगोल विज्ञान और ब्रह्मांड की जानकारियां प्राप्त करते हैं। हमारे पास यहाँ पर 4-5 टेलीस्कोप भी हैं जिसके माध्यम से बच्चों को ये शोध में काम करना है, ब्रह्मांड के बारे में शोध करना है तो उसमें भी हम उन्हें टेलीस्कोप अवेलेबल करवा करके रात्रि में भी और दिन में भी शोध के कार्य को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आप यहाँ पे आके देख सकते हैं तारामंडल का जो भी सौर मंडल है, क्या क्या चीज़ें हैं, और अगर आप कोई ऐसा आविष्कार करते हैं तो डायरेक्ट सर से मिल सकते हैं, सर पूरा आपका मदद करेंगे। सर, अच्छा, कोई बच्चा कोई आविष्कार करता है तो कैसे, क्या उसका प्रोसीजर होता है इस चीज़ में? देखिए, बच्चों की बात जहाँ तक है, उसके मेंटर, उसको जो उसके गाइड होते हैं वो गाइड करते हैं कि मॉडल कैसे बनाया जाए। उसकी अपनी भी सोच होती है। आजकल तो टेक्नोलॉजी में ये अच्छा हो गया है कि पढ़ने के लिए, जो अच्छे बच्चे हैं पढ़ने के लिए, वो गूगल पर भी सर्च करते हैं कि हमारे देश में नई टेक्नोलॉजी क्या डेवलप हुई है, उससे आगे की सोच रखते हैं। अब विद्यार्थी आज के 10 साल पहले इतनी अच्छी सोच नहीं थी विद्यार्थियों में, अब जो टेक्नोलॉजिकल और ये गूगल से सर्च करके अब मॉडल भी बनाने लगे हैं, तो ऐसा लगता है कि जो टेक्नोलॉजी तकनीकी आज तक तैयार की है उससे आगे भी वो काम कर रहे हैं और वो उनके मेंटर उसको और इम्प्रूव करवाते हैं। तो मेंटर को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, उनकी भी राय होती है और इसमें हम लोग धीरे धीरे करके जागरूक कर रहे हैं कि जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है उसका पेटेंट भी करवाएं बच्चे, और उसको बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज ना करें, क्योंकि पॉपुलराइज करने में ये होता है कि पेटेंट होने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। और इसका पेटेंट हमारे यहाँ भी अब प्रारंभ हो गया है, पेटेंट सेल बनी हुई है, चाहे तो वो डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारे यहाँ लखनऊ में UPCST की वेबसाइट पर जा करके उसमें पेटेंट में रजिस्टर करवा सकते हैं। भारत सरकार भी इसके लिए तमाम सारी योजनाएं चलाई हुई है और लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, बहुत सारे पेटेंट हो रहे हैं। सर, अच्छा, जैसे मान लीजिए शहरी या फिर ग्रामीण क्षेत्र का अगर वो कोई स्टूडेंट है, नॉन स्कूलिंग स्टूडेंट है वो, तो वो अगर कोई ऐसा मॉडल बना रहा है, कुछ आविष्कार कर रहा है, वो क्या कर सकता है उसके लिए? वो सही कहा आपने, जो जो है बिना पढ़ा लिखा आदमी है उसको हम लोग 2 सेक्टर में बांट दिए हैं, एक पढ़े लिखे लोगों का, एक बगैर पढ़े लिखे लोगों का, संगठित और असंगठित क्षेत्र में बांटे हैं। असंगठित क्षेत्र वाले लोगों को हमारे यहाँ विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी जब हुए थे तो इन्होंने गोरखपुर के एक आदमी को असंगठित क्षेत्र के 50,000 रुपये दे करके उसको सम्मानित भी किया था। तो इस तरह से कई लोग सम्मानित हो चुके हैं पूरे प्रदेश में। असंगठित क्षेत्र के लोगों में भी जो जुगाड़ तकनीक कहते हैं जिसको, उस तरह के वो यदि वो अन्वेषण करते हैं और इनोवेशन करते हैं तो उनको भी सम्मानित हमारे यहाँ से किया जाता है, उनके लिए भी पेटेंट जो सेल बनी हुई है वो रिकमेंड करती है, रिकॉग्नाइज करती है। तो कुल मिला के यहाँ पे एक जो स्कूलिंग है और नॉन स्कूलिंग है, दोनों लोग आप लोग आ सकते हैं और सर से जो भी कुछ अगर आपको
हेल्प चाहिए तो आप ले सकते हैं। पता क्या है, तारामंडल पे आपको सीधे आना है। हाँ, वीर बहादुर सिंह नशाशाला तारामंडल गोरखपुर। और सर से संपर्क कीजिए और सर पूरा हेल्प करते हैं, हेल्पफुल नेचर इनका है और जितना हो सकेगा आपका मदद करेंगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद आपको। थैंक यू।